मंडी शहर के इंदिरा मार्केट की छत पर देर शाम एक नाबालिग नशेड़ी ने तीन मजदूरों पर चाकू से हमला कर दिया। इससे तीनों गंभीर घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया है। शहरी पुलिस चौकी ने आरोपित को हिरासत में लिया है। मजदूर अपने कुछ साथियों के साथ इंदिरा मार्केट में सामान लेने आया था। इसी दौरान नशेड़ी युवक वहां आया और गाली गलौज करने लगा। मजदूरों ने इस बात का विरोध जताया तो आरोपित ने जेब से चाकू निकाल तीनों के कंधे पर वार कर दिया। इससे छत पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। और मैं यहाँ काम के लिए आता हूँ। मैं लेबर काम करता हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ, उस काम के लिए मैं आता हूँ यहाँ। सर मेरे को यहाँ पे 20 साल हो गए। सर मैं इंद्रनगर से जा रहा हूँ, गुजरा था तो किसी एक बंदा है, उसने अटैक किया और मैंने उसके जान को पहचान नहीं, उस अचानक उसने अटैक किया मेरे पास। सर मेरे कुछ नहीं, मैं जैसे उसको अपने धक्का नीचे को दिया, मैं सीधा चौकी और लाइन सिटी में दौड़ पाया और मैंने आज क्या कम कंप्लेट की वहाँ से पुलिस वाले को लेके, और दो बंदे मिले उनको अटैक किया और बस उनको पकड़ के कुछ नहीं। हमारा नाम चित श्याम है, गोरखपुर के रहने वाले हैं, झकई गांव है। यहाँ मंडी में पेंट का काम करते हैं। ऐसे हम बाज़ार से जा रहे थे, अचानक एक बंदा है पीछे से चाकू मार दिया। अब पुलिस थाने आई, पुलिस देखते हैं क्या करते हैं। नहीं सर, उसको जानते नहीं हैं तो उसको पहचानते भी नहीं हैं। अब सर यही 4-5 लोग थे जैसे दूर दूर में खड़े थे, अब हुआ कि अचानक पीछे से आया मार के चला गया। अब सर जी 3 लोगों को किया उसने। अब उसके बाद सर जी वो मुझे मार के लगा भागने, वो मुझे फिर दोबारा उसने हमला किया, मैं भी डर गया था। सर जी पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी पुनीत रघु का कहना है कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है, उसके स्वजनों को तलब किया गया है। पुलिस स्टेशन सदर में एक मामला संज्ञान में आया था, जहां पर एक नाबालिग लड़के ने कुछ 2-3 व्यक्तियों को के ऊपर एक वेपन के साथ हमला किया था, जिसमें उनको चोटें आई थी। और जिस संदर्भ में एक मुकदमा जो है वो सब पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज है 324 IPC में, क्योंकि जो एक्यूज है वो माइनर है, नाबालिग है, तो इसलिए आज उनको JJ बोर्ड में पेश किया गया था, जहाँ से आदेश दिए गए हैं बोर्ड द्वारा कि इस व्यक्ति, इस नाबालिग जो बच्चा है, जो विनाइल है, उसको सुधार गृह, बाल सुधार गृह जो ज़िला ऊना में है, वहाँ पर इसको भेजा जा रहा है। और जो व्यक्ति हैं जो इंजर्ड थे इसमें, जिनको चोट आई है, उनका इलाज जो है अभी ज़िला अस्पताल में चल रहा है और आगामी कार्रवाई जो है वो नियमानुसार उन्हें लाई जा रही है।